स्वागत आपका आज प्रेम मंदिर वृंदावन में, मथुरा के वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मनमोहक मंदिर को देखने के लिए देश और विदेश से लोग वृंदावन आते हैं। इस मंदिर की सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है, यही वजह से कि भक्त यहाँ पर घंटों रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा इस मंदिर के कुछ रहस्यमंद बातें जो आपको शायद कभी सुनी नहीं होंगी। तो यहाँ से अभी हम अंदर आ गए हैं टेम्पल के। वृंदावन का ये प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण, राधा और राम सीता को समर्पित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भव्य मंदिर को संरचना 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। मंदिर पूरे 1000 मजदूरों द्वारा 11 साल में बनाकर तैयार किया गया था और इस भव्य और खूबसूरत मंदिर का निर्माण जनवरी 2001 में शुरू किया गया था और इस उद्घाटन समारोह 15 फरवरी से 17 फरवरी 2012 तक किया गया था। फिर 17 फरवरी को इस सार्वजनिक रूप से खोला दिया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 125 फीट की है और लंबाई 122 फीट है। वहीं मंदिर की चौड़ाई करीब 115 फीट है। यह मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है जो कि इटली से मंगवाए गए हैं। इस बड़े मंदिर में 94 कलामंडित स्तंभ हैं जो कि किनकिरी और मंजरी सखियों के विक्रय को दर्शाते हैं। इसके अलावा मंदिर की सतरंगी रोशनी भी भक्तों की ओर काफी आकर्षित करती है। इस मंदिर में देश के अलावा विदेश से भी लोग आते हैं। होली और दिवाली में मंदिर में नजारा देखने लायक होता है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण की मनोहर झांकियां और सीताराम का खूबसूरत फूल बंगला है। मंदिर में फुवारे, श्री कृष्ण और राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन धारण लीला, कालिया नाग दमन का लीला, झूलन लीला है, बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाई दर्शाई गई है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि ये दिन में बिल्कुल सफेद दिखाई देता है और शाम को ये अलग अलग रंग में नजर आता है। बता दें कि ये स्पेशल लाइटिंग लगाई गई है जिसकी वजह से 30 सेकंड में मंदिर का रंग बदल दिया जाता है। और मंदिर में सत्संग के लिए एक विशाल भवन का निर्माण किया गया है जिसमें एक साथ 25,000 लोग बैठ सकते हैं। इस भवन को प्रेम भवन कहा जाता है जो कि साल 2018 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। और अब यहाँ से देख सकते हैं ये है पर्वत, गोवर्धन पर्वत, और इसकी कहानी तो शायद आपको मालूम ही होगी। यहाँ से देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से चीज़ों को दिखाया गया और दर्शाया गया है। ये देखिए एक एक चीज को हमने यहाँ से कवर किया है, यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से अभी हम टेम्पल के एंटर करेंगे और अंदर की जो नक्काशी है टेम्पल की वाकई देखने लायक है। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल बनाया गया है ये देखिए। और रात को हमने शूट किया था क्योंकि रात को कहते हैं कि ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है क्योंकि इसकी लाइटिंग ऐसी है जो आपको अट्रैक्ट करेगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस टेम्पल को डिजाइन किया गया है। और यहाँ से देख सकते हैं अभी हम आ गए टेम्पल के अंदर। ये देखिए यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की आर्ट। बहुत अच्छी खासी भीड़ थी क्योंकि हम सैटरडे को आए थे। बहुत अच्छा लग रहा था देख के टेम्पल। और यहाँ से बता दूं कि अगर आप इस टेम्पल को विजिट करना चाह रहे हैं तो ये सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे से 12:30 बजे तक खुलता है और शाम को अगर आप आ रहे हैं तो 4:30 बजे से 8:30 बजे तक खुलता है। मैं चाहूँगा कि आप शाम में ही जाएं क्योंकि शाम का जो एक व्यू है इसका बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि आपको लाइटिंग देखने को मिलेगी और पूरा फुवारे चल रहे होते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप वृंदावन में आके रुकना चाह रहे हैं तो प्रेम मंदिर के आसपास आप इजीली रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इतना चार्जेस नहीं है। 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक आपको एक ईजिली रूम मिल जाएगा जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है आसपास की और हर चीज़ अवेलेबल है। खाने पीने का भी अच्छा अरेंजमेंट है आसपास। और यहाँ से देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से लाइटिंग की गई है, कितना खूबसूरत दिखता है ये टेम्पल अंदर से। ये आपको अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा, बहुत खूबसूरत टेम्पल है।
बहुत अच्छी लाइटिंग कर रखी है, बड़ा खूबसूरत लगता है। देखिए कैसे लोग यहाँ पे फोटो वे खिंचवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ की भीड़, सैटरडे का दिन था, बहुत अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन हमने बहुत अच्छे खासे दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा हमने वहाँ जाके। ये देखिए यहाँ से, और मैंने बाहर एंट्री पे पढ़ा था, एक बोर्ड लगा होता वहाँ लिखा गया था, इस टेम्पल में 30,000 टन इटालियन मार्बल का प्रयोग किया गया है, जो कि अद्भुत है। ये देखिए, और यही यही कुछ टेम्पल हैं जो वृंदावन को खास बनाते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको पूरी एक प्रेम मंदिर की जानकारी देने की कोशिश करी, आप देख ही सकते हैं यहाँ से। और यहीं से अभी हम टेम्पल के बाहर जाते हुए, ये है बाहर का पूरा एक व्यू, यहाँ से देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो को अच्छे से शूट करने की। यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, सो गाइस मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, गुड बाय।